अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। सलमान भैया आज आपके लिए न्यू वीडियो लेके आए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं मेरी बकरियां हैं जो मकई में मैं अभी चरा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो मैं दिखाऊंगा कि जो मकई है ये उजड़ चुकी है, तो मैं ये काट के आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यार जो न्यू दोस्त हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। इससे क्या होगा, जो मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा ना वो सबसे पहले मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें दोस्तों, तो ये मैंने मकई काटी है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं क्योंकि ये मकई खास नहीं थी, इसे कीड़ा लग चुका था, तो इसलिए ना हम ये तो इस टाइम मैं बकरियां चला रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये देखें दोस्तों, मैं मकई काट रहा हूँ, तो क्योंकि मकई का सीज़न था, मकई तो हो गई है ख़त्म, तो इस टाइम ना मकई ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, तो वैसे कैमरा मैन आप दिखा सकते हैं, इधर कपास का वैसे एंड चल रहा है, तो माशाल्लाह से हमारा गांव भी दिखा सकते हैं। ये स्कूल है जिसमें हम पढ़े हैं, प्राइमरी तक स्कूल है ये हमारा स्कूल, तो आप देख सकते हैं। तो मैं इस टाइम ना मकई काट रहा हूँ, ये देखें दोस्तों। तो ये मेरे हाथ में दाती है जिससे हम ना घास काटते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने जानवरों को डालते हैं। और इस टाइम मैं हाय दोस्तों, तो मेरा नाम है इरफान फियाज, और जो अभी आपको मकई के बारे में बता रहे थे, फसल के बारे में, वो हैं सलमान फियाज। तो मेरे भाइयों, मैं ना आपको कपास के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये कपास बड़ी अहम है, इस कपास से हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले जो फ़ायदा है ना, इस कपास से ना कपड़ा बनता है। दूसरे नंबर पर इसका ये फ़ायदा है कि गाँव के लोग इसको लकड़ी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो जी, तो दोस्तों अब हम अपने सलमान भाई से पूछेंगे इसके बारे में, गोबर के बारे में, कि ये गोबर से फसल को क्या